कोविड संक्रमण की संभावनाओं को देखते हुए शासन से प्राप्त निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय देवास सहित जिले के अन्य स्वास्थ्य संस्थाओं में कोविड संक्रमण की रोकथाम और उपचार के लिए आवश्यक तैयारी पूर्ण है। प्रदेश में कोविड के संक्रमण को देखते हुए शासन के निर्देशानुसार जिला चिकित्सालय देवास में मॉकड्रिल की गई, जिसमें एक डमी संक्रमित व्यक्ति को एम्बुलेंस से जिला अस्पताल लाया गया और प्रोटोकॉल के तहत उपचार की कार्यवाही की गई। मॉकड्रिल के दौरान जिला अस्पताल से सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा उपस्थित रहे। उन्होंने ऑक्सीजन प्लांटों का निरीक्षण कर प्लांट की क्रियाशीलता, कोविड आईसीयू का निरीक्षण कर ऑक्सीजन उपलब्धता व अन्य उपकरणों की जानकारी लेकर व्यवस्था को देखा। कोविड जांच के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। कोविड आईसीयू में डॉक्टर अतुल कुमार पवनीकर, मेडिकल विशेषज्ञ और अन्य स्टाफ द्वारा उपचार संबंधित सफल मॉकड्रिल किया गया। डॉक्टर अतुल कुमार पवनीकर ने बताया कि जिला चिकित्सालय देवास में कोविड संक्रमण से बचाव के लिए जिला अस्पताल में तैयारी पूर्ण कर ली है। उन्होंने बताया कि चिकित्सालय में 3 ऑक्सीजन प्लांट और 1 लिक्विड प्लांट क्रियाशील है। ऑक्सीजन की पर्याप्त व्यवस्था है। प्लांट से सेंट्रल लाइन द्वारा अस्पताल के 410 बेड में ऑक्सीजन व्यवस्था है। अस्पताल में 30 बेड आईसीयू, 22 बेड वेंटिलेटर, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर व्यवस्था के साथ चिकित्सक और स्टाफ, एम्बुलेंस की पूर्ण व्यवस्था के साथ साथ ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य संस्थाओं में ऑक्सीजन बेड व अन्य व्यवस्था पूर्ण की गई है। सिटी मजिस्ट्रेट अभिषेक शर्मा ने बताया कि अगर आगामी दिनों में कोविड संक्रमण आता है तो उस स्थिति में हम किस प्रकार संक्रमण को रोकते हुए उपचार करेंगे, कि संपूर्ण व्यवस्था का जिला अस्पताल में निरीक्षण कर व्यवस्थाओं को देखा, ऑक्सीजन प्लांट को चालू कर क्रियाशीलता और ऑक्सीजन की सप्लाई को देखा। शासन के निर्देशानुसार 2 दिन में जिला स्तर और ब्लॉक स्तर की स्वास्थ्य संस्था में कोविड की रोकथाम के लिए कार्यवाही की गई, जिसमें उपकरण, मानव संसाधनों व अन्य व्यवस्था के संबंध में जानकारी राज्य स्तर पर ऑनलाइन भेजी गई और देवास में कोविड से बचाव की संपूर्ण व्यवस्था की गई है। कोरोना की पूर्व तैयारियों को लेकर आज एक मॉकड्रिल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में की गई थी। ऑक्सीजन प्लांट्स का चालू है या नहीं, या बेड्स की क्या स्थिति है। यहाँ पे जो 4 ऑक्सीजन प्लांट्स हैं, एक 1500 MPL है, एक 1000 है, एक 500 है और एक 186 MPL का है, और सभी अभी रनिंग कंडीशन में चालू है। उनको टेस्ट करके चालू करके देखा गया है। ऑक्सीजन की सप्लाई बेड तक सुचारू रूप से है। इसके अलावा जो पेशेंट्स आएंगे उनकी भी, पेशेंट की भी मॉक ड्रिल करके देखी है। उसमें जो उसका प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल के अनुसार सारी व्यवस्थाएं चाक चौबंद है। आईसीयू में जो बेडेड हैं, लगभग 10 बेडेड आईसीयू और 20 बेडेड आईसीयू, 30 बेड की अभी व्यवस्था यहाँ पर आईसीयू में है। पेशेंट को लाके उसको एडमिट करके और जो भी कोविड का प्रोटोकॉल होता है और उसके लिए जो आवश्यक संसाधन होने चाहिए वो सभी अभी उपलब्ध हैं। और उसके लिए अभी प्रत्यक्ष से डॉक्टर, जो एक MD डॉक्टर हैं, उनके द्वारा ट्रीटमेंट करके भी प्रॉपर व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया है। महत्वपूर्ण यही था कि जो हमारे प्लांट्स हैं उन प्लांट्सों को अच्छे से चेक करना कि उनकी सप्लाई बाधित ना हो, और यदि उनमें कोई कमी है, तकनीकी समस्या है, तो उसको समय रहते दूर कर लिया जाए। इसके अलावा ये भी है कि जो हमारी व्यवस्थाएं हैं हमारे पास डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स में, सिविल हॉस्पिटल्स में, या फिर जो हमारे PSC और CSC हैं, वहाँ पर हमारी संसाधन उपलब्ध हैं कि नहीं, इसके लिए भी मॉक ड्रिल इनके द्वारा कल की गई थी। और उसमें जो हमारे संसाधन हैं उनकी ऑनलाइन एंट्री, वरिष्ठ स्तर तक ये बताना कि हमारे पास क्या क्या संसाधन है। तो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में सिविल, 4 सिविल हॉस्पिटल हैं और 4 CSC जो है, उनसे संबंधित जितनी भी सामग्री उपलब्ध है, जो भी संसाधन उपलब्ध है, उसके डाटा भी ऑनलाइन फीड कर दिए गए हैं और किसी प्रकार की कोई कमी है या नहीं है इस संबंध में भी अवगत कराएंगे। सैंपलिंग अभी यहाँ पर RAT सैंपलिंग की व्यवस्था है, यदि उसमें वो पॉजिटिव आता है तब RT-PCR होगा, ये व्यवस्था चालू होगी। हाँ, मास्क अभी प्रयास तो यही किया जा रहा है और जागरूकता भी लाई जा रही है लोगों में फिर से, कि सभी लोग फिर से स्वतः उसमें मोटिवेट होकर मास्क का प्रयोग करेंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि संभावित कोविड के खतरे को देखते हुए शासन द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार हम लोगों ने आज यहाँ पे COVID-19 की जो पेशेंट को लेके आते हैं उसको, उसके एक मॉडल को जो किया है और उसके हमने को किसी को पेशेंट बनाया, उसको किस प्रकार से हम लोग एम्बुलेंस कहाँ से कैसे आती है और कैसे उस पेशेंट को हम ला के ICU में शिफ्ट करते हैं, ये उस मॉड्यूल में पूरा दिखाया गया है और क्या क्या सेफ्टी हम लोग उसमें रखते हैं ये सब उसमें दिखाया। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट भी देखा गया है, वहाँ क्या व्यवस्थाएं हैं और आपके कितने प्लांट हैं, चालू कौन से, बंद कौन से? पूरी तरह से ऑक्सीजन की व्यवस्था हर वार्ड में है हमारे पास, यहाँ पे हर जगह पर इसकी लाइन गई हुई है और 3 प्लांट जो है पूरी तरह से हमारे पास रनिंग है। कितने जिला चिकित्सालय में 416 बेड पे ऑक्सीजन है और तथा ICU भी नीचे 10 पलंग का है, ऊपर 20 पलंग का है, ऐसे 30 ICU बेड है हमारे पास
जो वेल मेंटेन्ड है, तथा हमारे पास वेंटिलेटर, बाईपेप, सीपेप, सेंट्रल ऑक्सीजन और एवं समस्त दवाई हमारे यहाँ उपलब्ध है। कोई भी मरीज अगर कोरोना संभावित या कोरोना आता है, पूर्व की तरह हम इसको सफलतापूर्वक अच्छा करके घर भेजा जाएगा। आज उसकी मॉकड्रिल हुई थी, मरीज आया था तो उसका पूरी जैसे कोरोना की गाइडलाइन है, गाइडलाइन के अनुसार उसको पूरा परीक्षण करके उसका इलाज दिया गया। क्या देखा गया शुरुआत में, चूँकि ऑक्सीजन प्लांट भी देखे गए? सबसे पहले तो टेम्परेचर थर्मल गन से लेना है, उसका सेचुरेशन देखना है, फिर उसके बाद उसका फेफड़ा, लंग, फेफड़े, हृदय, लीवर, स्प्लीन और पूरा सिस्टमेटिक देखना है, ब्लड प्रेशर, पल्स और सब पैरामीटर्स देखना है, उसके अनुसार उसका इलाज दिया जाएगा। सर ऑक्सीजन प्लांट भी देखे गए हैं और क्या कुछ व्यवस्था है? ऑक्सीजन प्लांट सभी चालू है, एम ऑक्सीजन बेड 416 जिला चिकित्सालय में बेड है, जिससे सेंट्रल ऑक्सीजन से कनेक्टेड है। आज जो मरीज आया उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति चूँकि शुरुआती स्टेज में है और बहुत जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा कोई घबराने की बात नहीं। पूर्व में भी जिला चिकित्सालय में सफलतापूर्वक कोरोना का इलाज किया गया, उस समय कोरोना कोई अन्य चिकित्सालय देख भी नहीं रहा था, उन्होंने अपने चिकित्सालय बंद कर दिए थे, परंतु जिला चिकित्सालय में कोरोना का सफलतापूर्वक इलाज किया गया। ठीक है, आपका परिचय सर? डॉक्टर अतुल पवनीकर, मेडिकल विशेषज्ञ, इंचार्ज मेडिकल विभाग। देवास से बेरुचि अभिषेक सोनी की रिपोर्ट।